एशियन मार्केट भी पॉजिटिव है, एसजेएक्स निफ्टी हालांकि अभी डेलो पर ट्रेड कर रहा है लेकिन फ्लैट है नेगेटिव बार्स के साथ। अब दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अविनाश गोरखसाकर हैं और राजेश सतपुते हैं, दोनों मेहमानों का स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। राजेश, पहले आप ही कॉमेंट्स लेना चाहेंगे, इंटरनेशनल मार्केट से संकेत ठीक ठाक है कह सकते हैं, और ऑलरेडी हमने कल एक कंसोलिडेशन की जोन देखी थी, आज भी शायद वो मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखे क्योंकि कोई ऐसा ट्रिगर है नहीं जो कि तेजी को फ्यूल करे, लेकिन आज लाइकली रेंज आपके हिसाब से क्या रह सकती है और निफ्टी पर क्या कोई ट्रेडिंग व्यू अपनाना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए इंडेक्स को? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस के डेटा की अगर बात करें तो जो कॉल रेटिंग दिख रही थी कल के लिए वो 9100 और 9200 के स्ट्राइक पे दिख रही थी। वो एट द सेम टाइम हमने देखा स्लाइटली यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि 9200 का पुट में अनवाइंडिंग होता है बट एट द सेम टाइम 9100 के पुट में फ्रेश लॉन्ग बिल्ट होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे डिम्पी भी कह रहे थे कि मार्केट जो है एक ट्रेंड के लिए ट्रेंड को ढूंढ रहा है, कंसोलिडेशन है, और मुझे लगता है कि चूंकि आज ग्लोबल मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहेगा तो हमारे यहाँ पे भी ट्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ऑप्शंस का डेटा देखें तो जो 9000 के पुट में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था वो 9100 पे शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए 9100 का एक शॉर्ट टर्म के लिए बेस है। एक्सपायरी अगले हफ्ते है तो मुझे लगता है एक्सपायरी के एंगल से भी सोचना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता ये मार्केट 9300 के ऊपर जाएगा, यानी जो शॉर्ट स्ट्रैंगल बन रहा है फॉर द एक्सपायरी दैट शुड बी एट 9100 का पुट है, एट द सेम टाइम 9300 का कॉल है। यहाँ पे दो जगह पे शॉर्ट स्ट्रैंगल बन रहा है। एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न, देखिए टेक्निकली मुझे लगता है कि 9150 इज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, हमने परसों भी देखा दैट्स अ मैग्नेटिक लेवल यू कैन से। सामने 9170 का एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा ये जो पुल बैक है वो 9200-9210 तक जा सकता है, लेकिन उसके बाद वो टिकना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि 9200 और 9100 का रेंज रहेगा। अगर आज के लिए बात करें तो लॉन्ग करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 9100, अपसाइड में रेजिस्टेंस जैसे मैंने कहा 9150, 9170 एंड 9200 रहेगा। ठीक है, 9170, 9180 टिपिकली वही लेवल्स हैं जो भी आपके सामने हम शेयर भी कर रहे थे। अविनाश, इस पूरे ही मार्केट के अंदर आपको कहाँ पे ज़्यादा चिंता दिख रही है? ये क्वार्टरली नंबर से आपको लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा डरा हुआ है, वेट एंड वॉच कर रहा है नंबर्स कैसे आएंगे, ये ग्लोबल संकेतों को एडजस्ट कर रहा है अपने अंदर, ये क्या हो रहा है बाजार के अंदर? गुड मॉर्निंग डिम्पी, हमको लग रहा है कि मार्केट्स अभी क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। आई थिंक क्लियरली नतीजों का सीजन है तो नतीजे जिस प्रकार से आएंगे मार्केट्स की ट्रेंड वैसे ही शेपअप हो जाएगी। आज TCS के नंबर्स है तो हमको लग रहा है कि इन्फोसिस के खराब नंबर्स के बाद TCS की जो मैनेजमेंट कमेंट्री रहेगी वो मेरे ख्याल से IT सेक्टर और IT स्टॉक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर यहाँ पे कोई डिसअपॉइंटमेंट आता है तो मेरे ख्याल से आपको एक अच्छी बिकवाली IT में देखने को मिलेगी, बट ओवरऑल ग्लोबल संकेत से ज़्यादा अभी कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे ये सबकी फोकस रहनी चाहिए। लेकिन अब डेरिवेटिव डेटा को भी समझ लेते हैं। डिम्पी, जैसे आपने भी कहा कि एक बार फिर से एक रेंज में आज ट्रेड हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इंस्टीट्यूशंस के अप्रोच को देखते हुए समझ में क्या आ रहा है, लाइकली रेंज क्या रहेगी, इस रेंज के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी और नीचे फिसलने के चांसेस कितने हैं? अभी तो ये कहना बड़ा मुश्किल है दीपाली। देखिए टिपिकली अब राजेश भी यही बात कह रहे हैं कि हर 50 पॉइंट पे एक सपोर्ट है, हर 50 पॉइंट पे मार्केट के एक रेजिस्टेंस है। ये ऐसा मार्केट है जो बिल्कुल ट्रेडर्स के लिए तो नाइटमेयर है। मैंने आपको कल भी बताया था एक ही टर्मिनल पे बाय और सेल दोनों खिलाड़ियों को बिठा दीजिए, दोनों पैसा नहीं बना के जाएंगे अगर वो इंडेक्स को लेकर ट्रेड कर रहे हैं तो। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक है तो चलेगा बाजार। एक बार मैंने पहले FIs का आप डाटा देख लीजिए, उसके बाद हम डेरिवेटिव्स के थोड़ा सा एंगल से समझेंगे मार्केट ओवरऑल है कैसा। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर कल फिर से खरीदारी हुई है, ये ऑलमोस्ट अब 6,500 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। एक बात बिल्कुल तय है, मार्च के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल्स की बाय आया था उसके अगेंस्ट में या फिर उसके फेवर में इंडेक्स ऑप्शंस की बाय है। ये बाय बहुत बड़ा क्वांटम है, आप 6000 करोड़ को छोटा मत समझिए। ये बाजार के अंदर बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल दे सकता है और बाजार को तोड़ भी सकता है, जिसकी 8800 की जो बात हो रही है ये सच भी हो सकती है, लेकिन बशर्ते यही है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स टूट जाएं, ऐसी कुछ खबर आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव, आइदर साइड बाजार चलेगा बहुत तेज, ये कम से कम तय होगा जब इस रेंज को ब्रेक करेगा, क्योंकि इस रेंज को मार्केट ने बहुत समय दे दिया 9000 और 9200 की रेंज को, इसके ऊपर कवरिंग, इसके नीचे जबरदस्त सेलिंग मार्केट के अंदर आती हुई दिखेगी। अब आप देखिए इंडेक्स का फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर हमको
ये चीज़ क्लियर दिख रही है कि अभी अनवाइंडिंग का प्रेशर। वैसे भी इंडेक्स को देखिए मत, मैं आपको टिपिकली ये सुझाव दूंगा अपनी तरफ से भी, आप इंडेक्स को मत देखिए। आपको कोई शेयर समझ में आ रहा है, न्यूज़ है, आप ले लीजिए, नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, इंडेक्स को मत देखिए। इंडेक्स आपको कन्फ्यूजन देगा, कन्फ्यूज करेगा। इंडेक्स तभी आपको क्लैरिटी देगा जब या ये 9000 के नीचे चला जाए या फिर 9200 के ऊपर आ जाए, तभी होगा। नहीं तो इसके बीच में 50 पॉइंट पे जब निफ्टी जो बोले मान लीजिए कि हाँ ऐसा ही है, जिद मत कीजिएगा, नहीं चलेगा, नहीं टूटेगा, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अब आते हैं निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर, वहां पे भी हल्की अनवाइंडिंग हमको आती हुई दिखी है। टिपिकली सरकारी बैंकों के अंदर आज आपको ज्यादा ध्यान रखना बैंक के अंदर, लेकिन बैंक फ्यूचर्स यही कहते हैं कि आपको थोड़ा सा अभी इसमें भी संभल जाना चाहिए। 21400 की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक लेवल हमको राजेश बता रहे थे कि 9200, हमने 9200 ही चेक किया, हालांकि सीरीज अब खत्म होने वाली है, लेकिन फिर हमने चेक ये किया कि 9200 के अंदर कहीं पे कुछ एग्रेशन दिख रहा है, कहीं पे रुक रहे हैं ट्रेडर्स, नहीं रुक रहे। 9200 की कॉल के अंदर टिपिकली अभी भी सेल कॉल देखने को मिल रहा है, इसलिए बाजार इस टिपिकली एक्सपायरी के अंदर अगर पुल बैक देगा भी ना तो पहला 9180 9200 को पार करके टिकाने का चैलेंज होगा। ये राजेश भी हमको बता रहे थे, इसलिए पहला चीज तो इसी पे ध्यान रखें, 9200 आपका इमीडिएट टारगेट बनते हैं। दूसरी बात बाद में करेंगे जब 9200 के ऊपर आ जाएगा। बाजार क्या 9000 छोड़ देगा, 9000 के लेवल को तोड़ देगा इस सीरीज में? लगता नहीं है। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि कल के सेशन में भले हमको थोड़ी गिरावट भी दिखी, लेकिन 9000 की पुट के अंदर भी शॉर्टिंग है। पुट की शॉर्टिंग का मतलब उल्टा खेला जा रहा है, पुट मंदी के लिए होती है, इसको बेचा जा रहा है, इसका मतलब तेजी है। इसका मतलब 9000 बाजार नहीं छोड़ेगा, 9200 बाजार पाएगा नहीं, इसमें थोड़ा सा और समय निकालेगा। इसलिए अविनाश और राजेश दोनों की बात बिल्कुल ठीक है कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट के अंदर आज ट्रेड किया जाए। अब एक बार एफएनडो के कर्व वाले शेयर भी देख लीजिए, ये टिपिकली वो चारों शेयर हैं जिनमें अभी भी कर्व लगा हुआ है। उसमें एक बार इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के अंदर आज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कल ये शेयर 40% चला था, आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए, हालांकि जो भी होगा वो उन्हीं में होगा जिनकी ऑलरेडी पहले से पोजीशंस थी। जी, तो ये वो स्टॉक्स हैं जो कि आज एफ एंड ओ बैंड में शामिल हैं, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो सिर्फ एक ही दिन में 40% दौड़कर बंद हुआ। अविनाश, कल आपने खबर भी सुनी, खबर से पहले जो लगातार ये स्टॉक चल रहा था वो भी आई एम श्योर आपने मोमेंटम स्टॉक का देखा होगा। ये 40-42 रुपए जो कल बढ़कर बंद हुआ, ये खबर क्या ठीक है, पॉजिटिव खबर डेफिनेटली थी, पर क्या इतनी इंपॉर्टेंट खबर थी जो कि इस रनअप को जस्टिफाई करती है? और जिन्होंने पोजीशंस होल्ड की हुई है वो तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पर होंगे। अब करें क्या, यहां से और चल सकता है या फिर मुनाफा लेकर निकल आए? नहीं, मुझे लग रहा है कि कल की जो तेज़ी का कारण था वो इसलिए था क्योंकि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट शेयर हालांकि इंस्टीट्यूशनल फेवरेट नहीं है, ये काफ़ी अंडर ओन्ड शेयर है और ज़्यादातर हमको लग रहा है ये शॉर्ट कवरिंग के कारण ही इतना बड़ा है। 40% बढ़ने के बाद हमको लग रहा है कि आज थोड़ी सी बिकवाली इस काउंटर में ज़रूर देखने को मिलेगी। डेफिनेटली 40% एक दिन में बढ़ना काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और हमको लग रहा है ये एफएनओ स्टॉक है तो इसमें डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। हालांकि हमको लग रहा है कि 125-130 का जो लेवल है वो स्टॉक शायद एक स्टेबल सपोर्ट ले, क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग से कमर्शियल और रेसिडेंशियल के जो बिजनेसेस है वो सेपरेट कंपनीज में लिस्ट होंगे, दोनों कंपनी से वैल्यू अनलॉक होगी, तो ऑब्वियसली वैल्यू तो जरूर है, लेकिन जिस प्रकार की बढ़त हमने कल देखी है उसमें जरूर कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिल सकता है।